तो गाइस, आज हम जाएंगे हवेली, जो कि हमारा थोड़ा सा अपना कह लें कि सेटअप बना हुआ है। तो आज आपको वो दिखाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो गाइज, हमारा छोटा सा जो कि सेटअप है, अभी आपको वो दिखाएंगे। तो ये हमारी गली है, हमारे घर को जो रास्ता लगता है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, तो फिर आपको दिखाएंगे कि सेटअप किस तरह का। इसमें बड़ी मेहनत लगी हमें करने में। पहले तो वो समझ नहीं थी आती कि करना क्या है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर उसे समझा। समझने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। ये भी रास्ता जो है ना, वो हमारे हवेली को जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी बस पहुंचने वाले हम। तो ये अभी मकान बन रहा है नया, और अब हमने भी स्टार्ट करना है इधर ही। तो ये फाइनली हम आ गए। तो ये दरवाज़ा है, उसे ओपन करते हैं। तो ये जनाब, ये चक्की है और ये ग्राइंडर है। ये जो है ना, ये चक्की है, क्योंकि इसका काम जो है ना, वो आटा जो होता है ना, अगर इसे पीसा जाए तो इसकी रोटी जो है ना, वो अकड़ती नहीं है, बिल्कुल नरम रहती है। अगर आप 1 घंटे तक 2 घंटे तक या 2 दिन तक भी रखेंगे तो ये इसकी रोटी जो है ना, वो अकड़ेगी नहीं। और उसके बाद ये दूसरी, ये इसे बोलते हैं ग्राइंडर। तो इस पे भी लोग जो ना आटा पिसवाते हैं, दाने वगैरह। तो इसकी जो रोटी है ना, वो गालबन सूख जाती है। तकरीबन पकाने से 5 मिनट बाद इसकी जो रोटी वो सूख जाती है। ये कुछ पड़े हुए हैं आटे, जो कि लोगों के पीसे हुए हैं। ये लोग लेके जाते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वो लेके चले जाते हैं। कई दफ़ा 3 3 4 4 दिन भी इधर पड़े रहते हैं, लेकिन वो जब आए तो फिर आगे ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एक छोटी मशीन है, जो कि मिर्चों वाली है। इस पे मिर्चें जो है ना, वो पीसी जाती हैं, जो कि लोग गांव में मिर्चों को सुखाते हैं, उसके बाद लाल करने के बाद फिर इधर लेके आते हैं। तो इस पे जो है ना, वही मिर्चें जो है ना, वो पीसी जाती हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा काम है। उसके बाद ये होती है मुंजी मशीन, जिस पे चावल वगैरह निकलते हैं। तो ये देखें इसका सेटअप, ये इसके साथ लगी हुई मोटर, और ये इसकी जो है ना मशीन है, जहाँ से ये ऊपर बनी हुई, इधर वो डालते हैं चावल मुंजी वगैरह, फिर ये नीचे से जो है ना, वो चावल निकलते हैं इधर से। जी तो ये सेटअप है रुई का, जहाँ पे रुई की पिसवाई होती है, कि लोग सर्दियों में जो कि ना लेके आते हैं। उसके बाद फिर अगर ऐसे लें तो उसका मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए फिर ये नीचे जो है ना, वो ऊपर से इधर से टोटली जो है ना, वो नीचे जाएगी। ये इसकी मोटर लगी हुई है। तो ये उसका जो है ना टोटल सर्किट है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा सेटअप था, जो कि गांव में रखा हुआ है हमने, और ये साथ हमारी जगह ये वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, काफ़ी मुश्किल हालात भी आए हैं, तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो अब इंशाल्लाह इधर जो है ना, वो हम बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, ताकि सेटअप इधर ही रहे। बस एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा कि यार अपना जो एक सेटअप है, वो तमाम दोस्तों से, अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर किया जाए। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका जाना कुछ नहीं होता, ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। तो अगर आप कर दें, ये तो आपकी मोहब्बत होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सलामत रहें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।